उत्तराखंड द्वारा खाकी वैदिकधारी की जमीन पर कब्जा किए जाने और मवेशियों के चारे में आग लगाने की थाना पुलिस से शिकायत किए जाने के बाद भी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर दबंगों की गुंडई से परेशान होकर खादी वर्दीधारी ने थाना पुलिस से न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की धमकी दे दी। जी हाँ, पूरा मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली हसायन क्षेत्र के शंकरपुर गांव का है। आपको बता दें, गांव के शंकरपुर निवासी राम कुमार की तैनाती डायल 100 की PVR V1125 पर ड्राइवर के पद पर है। राम कुमार का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले धारा सिंह, अमर सिंह और जयपाल ने दबंगई से उसके प्लॉट पर कब्जा करते हुए मवेशियों के चारे में आग लगा दी, जिसकी शिकायत राम कुमार ने थाना कोतवाली हसायन पुलिस से की, लेकिन थाना पुलिस ने राम कुमार की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पर पूरे मामले में डायल 100 की PRV 1125 पर तैनात ड्राइवर राम कुमार ने थाना पुलिस पर दबंगों का साथ देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए थाना पुलिस से न्याय मिलने पर आत्मदाह करने की धमकी दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू कुमार। रामू जी, क्या समस्या आपकी? मेरे गांव में दबंग लोगों ने मेरे प्लॉट पर कब्जा कर रखा है और जो है थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसओ साहब कुछ नहीं सुन रहे, चौकी इंचार्ज कुछ नहीं सुन रहे हैं। जब मैं उनके पास जाता हूं तो मुझ पर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं और विभाग से निकालने की और चार चार FIR दर्ज करने की एसओ साहब मुझे धमकी दे रहे हैं। और जब मैं थाने गया हूँ परसों से, तो परसों शाम गया, फिर शाम मुझे सुबह बुलाया, पूरे दिन कल मैं पूरे थाने में पड़ा रहा। यहाँ पे दरोगा जी आए, पूछताछ करके चले गए यहाँ से। शाम को उन्हीं लोगों को इतनी सह मिल गई, पुलिस की संरक्षण मिल गई कि उन्होंने मवेशी के रखे चारे में आग लगा दी, जिससे करा वो और भूसा और प्यार सब जल गया। मवेशी क्या खाएगी, भूखी मरेगी। और जो है, जब मैं थाने अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए 100 नंबर पर फोन किया है, 100 नंबर यहाँ आई, मुझको थाने लेके जा रही, तो उन लोगों ने कुछ बाइक पर मेरे भाई और चाचा जी जब थाने जा रहे तो उनको रोक के और रास्ता रोक दिया और थाना नहीं जाने दिया, अवरोध कर दिया थाने जाने में। बड़ी मुश्किल से जान बचा के घर आए हैं, बहुत मुश्किल से। तो इतने दबंग होने के बावजूद मुझे थाने में, जब मैं रात को 100 नंबर के साथ गया, वहां भी मेरी कोई FIR नहीं की गई है। और जो है, मैं पूरी रात थाने में पड़ा रहा और मैं 100 नंबर गाड़ी चलाने के बावजूद भी मेरी FIR दर्ज। और उनको जो इतने बड़े 90 से वो गोलियां चला रहे हैं, बम्ब हैं उनके पास, बम्ब चलाते हैं, और जो है उन्होंने बम्ब बनाए हैं पहले भी, और इतने जो है पंचायती जगह पे भी कब्जा कर रखा है उन लोगों ने, भू माफिया इतने बड़े। थाने के अंदर उन लोगों से बड़ा मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, आज भी है थाने के अंदर मोटरसाइकिलें। जिले के थाना कोतवाली हसायन क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जहां 100 डायल पे तैनात एक जो ड्राइवर है उसके दबंगों से झगड़ा हो गया है, जिसके बाद आगजनी भी की गई है। क्या कुछ मामला हुआ है? देखिए, ये प्रकरण अभी मीडिया द्वारा ही संज्ञान में लाया गया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें जो भी पुलिस द्वारा पेशित वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाए इसमें, और इसमें शीघ्र कार्रवाई कराकर मामले का निस्तारण किया जाएगा।